नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वॉल इंडिया में। आपके साथ मैं हूँ पारुल त्यागी। महाकुंभ, अर्धकुंभ या फिर सिंहस्थ कुंभ के बाद नागा साधुओं को देखना बहुत मुश्किल होता है। नागा साधुओं के विषय में कम जानकारी होने की वजह से इनके विषय में हमेशा कौतूहल बना रहता है। जैसे नागा साधु कुंभ में कहाँ से आते हैं और कहाँ चले जाते हैं, इनका जीवन यापन कैसा होता है, वो कुंभ के बाद क्या करते हैं, क्या ऐसे सवाल आपके मन में आए हैं? अगर आपका जवाब हाँ है तो इस रिपोर्ट में हम आपको आएंगे हिंदू धर्म के इस बड़े रहस्य का पूरा सच। भगवान के नागा साधुओं की रहस्यमयी दुनिया। बोलिए श्री नीलकंठ भगवान के। 13 अखाड़ों से बनाए जाते हैं नागा साधु। खुद का करते हैं नागा साधु पिंडदान। हिंदू धर्म का व्यक्ति ही बन सकता है नागा साधु। साधु संतों की मंडली में से एक मंडली नागा साधु की होती है। जब जब कुंभ मेले पड़ते हैं तब तब नागा साधु की रहस्यमयी जीवन शैली देखने को मिलती है। पूरे शरीर में भभूत मले, निर्वस्त्र और बड़ी बड़ी जटाओं वाले नागा साधु कुंभ स्नान का प्रमुख आकर्षण होते हैं। कुंभ के सबसे पवित्र शाही स्नान में सबसे पहले स्नान का अधिकार इन्हें ही दिया जाता है। इससे पहले ये सालों कड़ी तपस्या और बैरागी जीवन जीते हैं। इसके बाद नागा जीवन की विलक्षण परंपरा से दीक्षित होते हैं। ये लोग अपने ही हाथों अपना ही श्राद्ध और पिंडदान करते हैं, जबकि श्राद्ध का कार्य मरणोपरांत होता है। अपना श्राद्ध और पिंडदान करने के बाद ही साधु बनते हैं। नागा और सन्यासी जीवन की उच्चतम प्रकाष्ठा तथा अत्यंत विकट परंपरा में शामिल होने का गौरव प्राप्त होता है। माना जाता है कि ये लोग उग्र स्वभाव के होते हैं। साधु संतों के बीच इनका एक प्रकार का आतंक होता है। नागा लोग हट्टी, गुस्सैल, अपने में मगन और अड़ियल से नजर आते हैं, लेकिन सन्यासियों की इस परंपरा में शामिल होना बड़ा कठिन होता है और अखाड़े किसी को आसानी से नागा रूप में स्वीकार नहीं करते। इनकी सालों तक बकायदे परीक्षा ली जाती है, जिसमें तप, ब्रह्मचर्य, वैराग्य, ध्यान, सन्यास और धर्म का अनुशासन और निष्ठा आदि प्रमुखता से परखे देखे जाते हैं। नागा शब्द की उत्पत्ति। नागा शब्द बहुत पुराना है। भारत में नागवंश और नागा जाति का इतिहास भी बहुत पुराना है। भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में ही नागवंशी, नागा जाति और 10 नामी संप्रदाय के लोग रहते हैं। भारत का एक संप्रदाय नाथ संप्रदाय भी 10 नामी संप्रदाय से ही संबंध रखता है। दरअसल शैव पंथ से बहुत सारे सन्यासी पंथों और परंपराओं की शुरुआत मानी जाती है। नागा शब्द का अर्थ। नागा शब्द की उत्पत्ति के बारे में कुछ विद्वानों की मान्यता है कि ये शब्द संस्कृत के नागा शब्द से निकला है, जिसका अर्थ पहाड़ से होता है और इस पर रहने वाले लोग पहाड़ी या नागा कहलाते हैं। कछारी भाषा में नागा से तात्पर्य एक युवा बहादुर लड़ाकू व्यक्ति से लिया जाता है। नागा का अर्थ नग्न रहने वाले व्यक्तियों से भी है। उत्तरी पूर्वी भारत में रहने वाले इन लोगों को भी नागा कहते हैं। सनातन धर्म के वर्तमान स्वरूप की नींव आदि गुरु शंकराचार्य ने रखी थी। शंकराचार्य के काल में भारत के मठों और मंदिरों की धन संपत्ति को लूटने हेतु आक्रमणकारी आ रहे थे। इन आक्रमणकारियों से रक्षा के लिए शंकराचार्य ने सनातन धर्म के कई संप्रदायों की सशर्त शाखाओं के रूप में अखाड़ों की स्थापना की। ये अखाड़े आश्रम और मंदिरों में होते थे। धर्म और समाज की रक्षा के लिए इन अखाड़ों में साधु को अस्त्र शस्त्र की विद्या दी जाती है। नागा और योद्धा। इतिहास में नागा और साधुओं ने धर्म और समाज के लिए कई लड़ाइयां लड़ी हैं। धर्म के इस कार्य में 40,000 से ज्यादा नागाओं ने हिस्सा लिया था। कई बार युद्धों में नागा साधु को स्थानीय राजा महाराजाओं का समर्थन भी प्राप्त होता था। इन लड़ाइयों में सबसे प्रमुख है नागा साधु और अहमद शाह अब्दाली की लड़ाई। शाह ने मथुरा वृंदावन पर कब्जा करने के बाद गोकुल पर आक्रमण किया। तब नागा साधुओं ने अपनी क्षमताओं का परिचय देते हुए शाह की सेना को धूल चटाकर कृष्ण की नगरी गोकुल की रक्षा की थी।
कहाँ रहते हैं नागा साधु। नागा साधु किसी न किसी अखाड़े आश्रम या मंदिर से जुड़े होते हैं। अखाड़े आश्रम या मंदिर में रहने वाले नागा साधु नागाओं के समूह में रहते हैं, लेकिन इनमें से कुछ तप के लिए हिमालय या किसी ऊंची पहाड़ की गुफाओं में निवास करते हैं। इनमें से कई अखाड़ों के नागा साधु पैदल भ्रमण कर भिक्षाटन करते हुए धुनी रमाते हैं। इसमें महिला नागा भी शामिल होती हैं। वर्तमान में कई अखाड़ों में महिलाओं को भी नागा साधु की दीक्षा दी जाती है। जानकर हैरानी होगी कि महिला साधु में विदेशी महिलाओं की संख्या भी काफी है। वैसे तो महिला और पुरुष नागा साधु के नियम कायदे समान ही हैं। फर्क केवल इतना ही है कि महिला नागा साधु को एक पीला वस्त्र लपेट कर रहना पड़ता है और यही वस्त्र पहनकर स्नान करना पड़ता है। इन्हें नग्न स्नान की अनुमति नहीं है, यहाँ तक कि कुंभ मेले में भी नहीं। नागाओं का रहस्य। आज भी बड़ी संख्या में युवा नागा साधु बनते हैं, परंतु नागा साधु बनने के लिए पात्रता परीक्षा बहुत कठिन होती है। लगभग एक साल तक कठिन मेहनत करने के बाद कई कठोर परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। शिक्षक ग्रहण करने से पहले इन्हें अपने वासनाओं और इच्छाओं पर काबू करना पड़ता है। प्राच्य विद्या सोसाइटी के अनुसार नागा साधु के अनेक विशिष्ट संस्कारों में ये भी शामिल है कि इनकी कामेंद्रिया भंग कर दी जाती हैं। नागा 24 घंटों में मात्र एक बार ही भोजन करते हैं। नागा साधु बनने के लिए कई कठिन परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है, शायद आम आदमी या हम में से कोई ऐसा सोच भी नहीं सकता। जी हाँ, अपने आप को विशेष और अलग बनाने के लिए इन्हें कई सालों तक कठिन परिश्रम करना पड़ता है। इसमें करीब 6 महीने से लेकर 12 साल तक का वक्त लग जाता है। इनके लिए विशेष गुरु हैं, जिनमें से 5 बहुत ज़्यादा विशेष हैं। भगवान शिव, भगवान विष्णु, शक्ति, सूर्य और गणेश निर्धारित हैं। जी हाँ, ब्रह्मचार्य की दीक्षा हासिल कर ये महापुरुष कहलाते हैं, जिसके बाद इनका सर मुंडवा दिया जाता है और महाकुंभ में गंगा नदी में इन्हें 108 बार डुबकी भी लगानी पड़ती है। महापुरुष के बाद ही नागाओं की अद्भुत बनने की प्रक्रिया शुरू होती है। उन्हें स्वयं का श्राद्ध करके अपना पिंडदान करना पड़ता है। इस दौरान साधु बनने वाले लोगों को पूरे 24 घंटे तक बिना कपड़ों के अखाड़े के ध्वज के नीचे खड़ा रहना पड़ता है। परीक्षाओं में सफल होने के बाद ही उन्हें नागा साधु बनाया जाता है। अलग अलग स्थानों पर नागा साधु की दीक्षा लेने वाले साधु को अलग अलग नाम से जाना जाता है। इलाहाबाद प्रयागराज में दीक्षा लेने वालों को नागा कहते हैं। हरिद्वार में दीक्षा लेने वालों को बर्फानी नागा कहा जाता है। उज्जैन में दीक्षा लेने वालों को खूनी नागा कहते हैं। वहीं नासिक में दीक्षा लेने वालों को खिचड़िया नागा कहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वर्ल्ड इंडिया। नागा साधु का जीवन बहुत रहस्यमयी होता है। कुंभ के बाद वो कहीं गायब से हो जाते हैं। कहा जाता है कि नागा साधु जंगल के रास्ते से देर रात में यात्रा करते हैं, इसीलिए ये किसी को नजर नहीं आते। नागा साधु समय समय पर अपनी जगह बदलते रहते हैं, इसी वजह से इनकी स्थिति का पता लगाना बहुत ही मुश्किल होता है। ये लोग गुप्त स्थान पर रहकर ही तपस्या करते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।